हाय एवरीवन, मैं ओमप्रकाश मिश्रा। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाला हूं जो एक अभिनेता है और आई होप कि आप सभी उन्हें पहचानते हैं। तो आज मैं वरुण धवन जी के बारे में बात करने वाला हूं। एक्चुअली मैं क्यों बात कर रहा हूं ये आपको वीडियो ख़त्म होने तक पता चल जाएगी। कुछ दिनों पहले वरुण धवन जी ने, जब उनकी जरूरत आई थी, उस समय उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और वो इंटरव्यू में मुझे खिकड़ा कहा था। तो सबसे पहले वरुण धवन जी, सर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो आँखें हैं वो थोड़ी सी खराब हो गई हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाइए और अपने आँखों का इलाज कराइए, क्योंकि मैं खिकड़ा नहीं हूँ, मेरा नाम ओमप्रकाश मिश्रा है और एक मैं इंसान हूँ। मैं जब वीडियो देख रहा था तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा आर्टिस्ट, इतना बड़ा अभिनेता जिसके करोड़ों में फैन है, वो एक आर्टिस्ट को खिकड़ा कह रहा है। सर, आप एक आर्टिस्ट होने से पहले आप एक इंसान हैं और एक इंसान को इंसान की रिस्पेक्ट करना आनी चाहिए। अगर वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो वो कितना बड़ा भी आर्टिस्ट हो जाए, कितना बड़ा भी बिजनेसमैन हो जाए, वो जीरो है। और उसके बाद आपने कहा कि मैंने सुना कि वो रास्ते में गाना गा रहा था और पुलिसमैन आया और वहाँ से भाग गया। तो सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं मरीन ड्राइव, मेरे चाहने वाले जो मुझे सुनते हैं, उनसे मैं 17 तारीख को मिलने गया था। बहुत सारे लोगों को देखकर मुझे वहाँ से जाना पड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि पुलिसमैन आया था और मैं भागा था। क्या पता कौन सी मीडिया में ये अफवाह आई थी। और जब आपने तीसरी बात बोली कि लोग उन्हें व्यू क्यों करते हैं, सर क्यों ना करें, मेरा क्वेश्चन है क्यों ना करें। अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर रहे, किसी को आप सपोर्ट नहीं कर रहे, किसी का आप हौसला बुलंद नहीं कर रहे, तो किसी को ये मत कहो कि लोग उन्हें व्यू क्यों करते हैं। अगर आज मैंने वरुण धवन जी को खेकड़ा बोला होता तो ना जाने क्या हो जाता। बट कोई मुझे खेकड़ा बोले, कोई मुझे पागल बोले, एक्सपेंजेड मुझे कोई कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ा कि इतना बड़ा आर्टिस्ट वो एक आर्टिस्ट को खिकड़ा कह रहा है। सर, एक नॉर्मली थोड़े से पैसा जमा करके, यहाँ वहाँ मेहनत करके मैंने एक वीडियो बनाया जो अंटी की घंटी, काफ़ी सारे लोगों ने सुना और वो हिट हुआ। अगर आप मुझे अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। खेकड़ा, एड़ा, ऐसे वर्ड मत यूज़ करो। आप बड़े लोग हैं, आपके डैडी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मैं एक छोटा सा मिडिल क्लास का लड़का हूँ। बट सर, कभी आप अपने घर के बाहर निकलिए और मेहनत कीजिए और एक वीडियो बनाइए, तब शायद आपको पता चल जाएगा कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास का लड़का कितने पैसे जाते हैं, कितने दिन जाते हैं, कितनी मेहनत लगती है। आप उसी फील्ड से, आपको पता होगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं हूँ कि आपने मुझे ऐसा कहा, बट जो मैंने देखा वो मैं कह रहा हूँ। और लोगों को लगता है कि ओमप्रकाश मिश्रा ऐसा है, ओमप्रकाश मिश्रा वैसा है, बट बोल के कुछ मतलब नहीं होने वाला। आने वाला वक्त बता देगा कि ओमप्रकाश मिश्रा क्या है। और एक बात डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ होगा वो ओमप्रकाश मिश्रा करेगा। और जो इससे देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उनसे एक ही कहना है कि जो मैंने कहा उस जगह अपने आप को रख के देखना, और अगर लगे कि मैंने गलत कहा है तो अनलाइक करना, और लगे अगर सही किया है तो लाइक करना। तो आज के लिए बस इतना ही। और वरुण धवन जी, अगर आपको मेरे जैसे या मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया हो तो आई से सॉरी, बट जो मुझे कहना था वो मैंने कहा। और अंडी घंटी पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है, तो बस आज के लिए इतना ही। इसी तरह मुझे प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मैं आप सबके बिना अधूरा हूँ। तो मिलता हूँ बहुत जल्द अंडी घंटी पार्ट 2 में। थैंक यू।